एक्चुअली एक टेस्टिमनी मैं अपनी मामा के बिहाफ पे आज देना चाहती हूँ, क्योंकि खुदा ने मेरी मामा को एक बहुत बड़ी बरकत से नवाजा है, एक बहुत बड़ी फतह याबी से नवाजा है, जिसके लिए वो बहुत टाइम से बहुत स्ट्रगल कर रही थी। एक्चुअली मेरी मामा का एक केस था जो बहुत सिंपल और छोटा सा केस था, लेकिन खुदा के नाम को जलाल मिलना था, इसलिए वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस बन गया था, जिसके लिए मामा ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारे लॉयर्स मामा ने चेंज किए, बहुत से पैसे उसके ऊपर लग गए, लेकिन वो केस था कि वो सॉर्ट आउट होने का, वो ख़त्म होने का एक नाम ही नहीं ले रहा था, तो मामा बहुत परेशान हो गई थी। एक ऐसा टाइम आ गया था कि मामा ने मामा के लॉयर ने बहुत हैवी अमाउंट की डिमांड की थी जो मामा नहीं दे सकती थी, तो मामा ने वो केस छोड़ ही दिया बिल्कुल, ना वो ख़त्म हो रहा था ना वो शुरू हो रहा था, बस दरमियान में ही कहीं था वो केस, तो मामा ने बिल्कुल ही उसको छोड़ दिया। तो मामा बहुत उस केस से डिसहार्ट हो गई, तो वो बहुत परेशान थी। तो एक दिन मामा ने पास्टर जी को कॉल की, उनसे कहा कि आप प्लीज़ सिर्फ मेरे प्रॉपर्टी के केसेस के लिए सिर्फ आप मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप प्रेयर करें, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा ये केस ना ख़त्म हो रहा है, ना ही शुरू हो रहा है, ना ही किसी एंड पे आ रहा है, ये बिल्कुल दरमियान में लटका हुआ, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो सिर्फ हमारे रिस्पेक्टेबल पास्टर जी की प्रेयर्स की वजह से ही ऐसा हुआ है कि उन्होंने दुआ की, और आफ्टर विद इन सिर्फ 2 वीक्स के बाद उस मामा के लॉयर ने खुद ही, मामा सुबह सुबह प्रेयर कर रही थी, उन्होंने खुद ही मामा को कॉल करके कहा कि आप आएँ और अपने केस के फाइनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, क्योंकि आप अपना केस कंप्लीट कर चुकी है, वो आप जीत गई हैं वो केस। सिर्फ 2 वीक की बात थी, और मामा और मेरी फैमिली हमें सब इतनी ज़्यादा शुक्रगुजारी से भरे पड़े हुए हैं। मैं पास्टर जी का बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ कि आपने मेरी मामा को, मेरी मामा के लिए पेन लिया, मेरी फैमिली को कंसीडर किया, और हमारे लिए स्पेशल प्रेयर्स की आपने, और ये आज के जिसकी मेरी मामा ने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी हुई थी, लॉयर ने खुद ही मामा को कॉल की सुबह सुबह कि आप आओ अपने केस के आके फाइनल डॉक्यूमेंट्स ले जाओ विदाउट किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के।